अगर आपने ये वीडियो खोला है, इसका मतलब आपकी चाह है कि आपका कोई छूटा हुआ साथी या कोई खास इंसान आपके जीवन में वापस आ जाए, और आप सफ़र कर चुके हैं एक हार्ट ब्रेक से, ब्रेकअप से। तो अगर आप वो चीज़ चाहते हैं मैनिफेस्ट करना, तो उसके पहले प्लीज़ ये पूरा मेरा ऑडियो शांति से, खुले दिमाग से सुन लिया, ठीक है। डिवाइन डेजी काउंसलर चैनल में आप सबका स्वागत है। हम 1-to-1 एलओए कोचिंग, टैरोट कार्ड रीडिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की सर्विसेज देते हैं। अब शुरुआत इससे कि मैनिफेस्ट एक्स, इसके कुछ मुझे मेल्स मिले थे, कुछ लोग ने मुझसे इंक्वायरी की थी, काउंसलिंग ली थी, ऐसे सब। मुझे आपके लिए, जो भी इंसान इसको सुन रहा है उसके लिए ये चीज़ ब्रेक डाउन करती है कि पहले तो हम वो मैनिफेस्ट क्यों करना चाहते एक ही इंसान को, जिनके साथ शायद कुछ पास्ट सही नहीं रहा, ठीक है। ऐसा नहीं होता है, लड़ाई झगड़े बातें हर एक रिश्ते में होती है। हम माँ बाप के साथ लड़ते हैं, हम दोस्तों के साथ लड़ते हैं, लेकिन जब कोई स्पेसिफिक इंसान के साथ लड़के हम छूट जाते हैं, क्या होता है? सबसे पहले हमारे ऊपर साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या पड़ता है, हम उस इंसान को मिस नहीं कर रहे होते, प्लीज समझ, हम उस फीलिंग्स को मिस कर रहे होते हैं जो हमें वो फील करवाते थे, वो अटेंशन, वो प्यार, वो केयर। क्योंकि क्या होता है, हमारा सेंटर ऑफ यूनिवर्स वही इंसान बन जाता है कोई भी हमारी ज़िंदगी में आता है, ठीक है। एक प्यार का रिश्ता बहुत खूबसूरत शुरू में, जिसे कोर्टशिप पीरियड कहते हैं, वो इसीलिए होता है बिकॉज यू गाइस आर सो मच इनटू ईच अदर। अब ऐसे टाइम के अंदर जब आपको आदत पड़ चुकी है किसी की केयर की, और आपको आदत पड़ चुकी है किसी की केयर करने की, कि आप कैसे हो उसके बारे में जानने की, और आपका अटेंशन वहीं चला जाता है। इसीलिए बहुत सारे लोग अपने दोस्तों से भी, मतलब वो ऐसा होता है, उनका रिश्ता टूटता जाता है, हम बस वहीं घुस जाते हैं। जैसे अब कभी ब्रेकअप होता है तो क्या होता है कि हम ये सारी चीज़ें मिस करने लगते हैं। ये बहुत साइकोलॉजिकल है, ठीक है। तो आपको तो पहले बैठ के ये समझना पड़ेगा कि आप उनको क्यों मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। आप उनको ऐसे इंसान मिस कर रहे हैं या वो फीलिंग्स मिस कर रहे हैं, ठीक है। आप उनको मिस कर रहे हैं या वो फीलिंग जो आप उनके साथ फील करते थे उसको? डेफिनेटली यू फील दैट फीलिंग्स ओनली 95% ऑफ द टाइम। अगर मैं ऐसे काउंसल करके ब्रेक डाउन करूँ तो इंसान से रिलेवेंट नहीं होती है वो चीज़ें। इसमें दूसरे इंसान की गलती होती भी है और नहीं भी होती है, ठीक है। आपका रिश्ता चाहे बहुत गंदी नोट के ऊपर ख़त्म हुआ था या बहुत अच्छी, या उनकी गलती थी या नहीं थी, मैनिफेस्ट करना तो पॉसिबल है 100%। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, तो इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल। लोगों ने किया भी है, वो आ भी सकते हैं वापस, वो आते भी है, बट मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाहती इस वीडियो के साथ कि आपको कोशिश नहीं करनी चाहिए उनको मैनिफेस्ट करने की। पर आज मैं आपको एक दिल की सच्ची एडवाइस देना चाहूँगी, सच बोलना चाहूँगी कि जब भी आप परमात्मा से प्रार्थना करें ऐसा कोई रिश्ता छूटने के बाद अपने जीवन में प्यार को वापस पाने की, तो हमेशा ये चीज़ बोले कि अगर वो इंसान मेरे लिए बेस्ट है तो वो, या फिर उनके जैसा, उनके जितना या उनसे ज़्यादा प्यार करने वाला कोई इंसान मेरे लिए भेजना, वो मेरे लिए बेस्ट है तो वो, या उनसे ज़्यादा कोई प्यार कर सकता, कोई अच्छा इंसान है आपकी नज़रों में तो वो। ये आपको सेल्फिश लगेगा, ये आपको अनरीजनेबल लगेगा, ये आपको बहुत ही, आपकी थोड़ी सी अगर थॉट प्रोसेस, जहाँ से मैं देखती हूँ ये सारे ब्रेकअप वाले लड़के लड़कियों को, तो आपको ये बहुत ही अनयूजुअल लगेगा। लेकिन आई एम श्योर जीवन में 2-4 साल बीतने के बाद आपको मेरी बातें शायद सच्ची लगी, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना कि हम अपनी दो आँखों से और अपने दिमाग से बहुत ही लिमिटेड वे में सोच पाते हैं। परमात्मा, भगवान, यूनिवर्स, उनको सारी चीज़ें दिखती है, उनको सब समझ में आता है हमारे लिए क्या राइट है क्या नहीं है, हमारे लिए इवेंचुअली क्या राइट साबित होने वाला है, व्हाट इज़ द बिगर पिक्चर जिसे बोलते हैं, हु इज़ अ गुड इन लॉन्ग टर्म। हो सकता है आपके एक्स अभी आपको अच्छी लगते हो, वो
हो सकता है वो आगे जाकर आपके लिए सही साबित ना हो, ठीक है, और हो भी सकता है कि वो सबसे अच्छे बन जाए, ठीक है। तो इसीलिए ऐसा बिल्कुल आप डेनी नहीं करें कि वो नहीं आए, ऐसे नहीं, वो या उनसे अच्छा कोई जो आपको लगे, क्योंकि मुझे मेरी समझ के हिसाब से ये बेस्ट लगता है, यू जस्ट डू इट, ठीक है। एनी वेज, यू जस्ट वॉन्ट टू मैनिफेस्ट द लव, द केयर, द अटेंशन इन योर लाइफ, दैट इज योर कोर फोकस, ठीक है, वो चाहे किसी भी इंसान से मिले। अब लास्ट बात, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप चाहते क्यों हो ये सारी चीज़ें मैनिफेस्ट क्यों करना चाहते हो, ये फीलिंग कि मुझे क्यों आती है, क्योंकि खुद का ही बर्तन भरा हुआ नहीं। देखिए, ब्रेकअप होता तब है जब हम पूरे अपने आप को उनके ऊपर ही उड़ेल देते हैं, सारा का सारा प्यार, ठीक है, या बहुत पॉसेसिव, या मतलब रिश्ते टूटने के बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो देखा गया नॉर्मल रीज़न है द लैक ऑफ सेल्फ लव, वेदर इन अ मैन और वुमेन। मैं बिल्कुल जेंडर स्पेसिफिक बात नहीं कर रही, ये दोनों पार्टी में हो सकता है। जब कोई इंसान किसी और को अपने से ज़्यादा मानने लगे तो वो उस इंसान के लिए भी ट्रबल हो जाती है, बहुत ज़्यादा प्यार या बहुत कम प्यार, ठीक है। सबसे पहले सेल्फ लव, सेल्फ अप्रिसिएशन, सेल्फ एक्सेप्टेंस, खुद को समझना, खुद को प्यार करना, खुद के साथ खुद कंफर्टेबल होना, खुद को अपनी दुनिया बनाना, खुद के अंदर वो प्यार का ओशन भरना, खुद के दिल को इतना भर देना कि फिर जो आए वो भी खुशी से भर जाए, मतलब आपके अंदर से प्यार छलके, ये सबसे 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 क्रूशियल और ज़रूरी बात है। सेल्फ लव, आप उनको मिस कर रहे हैं, मीन्स आप अपना वो हिस्सा मिस कर रहे हैं जिसके अंदर प्यार है, वो आपको कहीं और से नहीं मिलेगा दोस्तों, कभी भी नहीं मिलेगा, वो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर है। वो आपको भगवान दे सकते हैं, यूनिवर्स दे सकता है। प्लीज़ प्रे दैट आई वॉन्ट टू गेट फील्ड विद द सेल्फ लव। मिरर एक्सरसाइज होती है, खुद से प्यार करना होता है, आईने में देख के अपने आप को खुद प्यार करना होता है, परमात्मा को बोलना होता है कि यहाँ मेरा दिल टूटा है, यहाँ मुझे दर्द हो रहा है, यहाँ मुझे धक्का मिला है, प्लीज़ अपने प्यार से इसे भर दो। रात को हम बोल के सो जाते हैं, सुबह हमारा दिल हील हो जाता है। आप अच्छी सी स्माइल करोगे, दूसरे दिन देखना उठोगे, आपको लगेगा कि कोई एक हिस्सा आपके दिल का जो है वो रिपेयर हो गया, ठीक हो गया, मरम्मत हो गई उसकी, ठीक है। तो ये बात है, प्लीज़ 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 खुद को प्यार कीजिए, उसके बाद किसी और को मैनिफेस्ट करने के बारे में सोचिए भी। खुद को प्यार करना ये जीवन की हर एक एरिया के को बदल के रख देता है, और इस एंगल के लिए तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि खुद को भर देना परमात्मा के प्यार से, खुशी से, यूनिवर्सल प्यार से, दोस्तों से मिलिए, खुद से मिलिए, खुद से हाथ मिलाइए। देखा है खुद को कभी कॉम्प्लीमेंट किया है, इतने मस्त हो तुम, ठीक है, क्या मिस करने की ज़रूरत पड़ेगी। एक वक्त आएगा, शायद एक हफ्ते में ही आ जाएगा, कि आपको ये कमी जो है वो कम महसूस होने लग जाएगी, अपनी कंपनी पसंद आने शुरू हो जाएगी, तब ये साइन समझना, ठीक है, कि आप खुद रिपेयर हो चुके हैं, खुद स्टेबल हो चुके हैं, आपके अंदर वो मिसिंग वाली फीलिंग्स तो है ही नहीं। और फिर अपने परमात्मा से ज़रूर प्रार्थना कीजिए कि प्यार मुझे मेरा वापस चाहिए, अगर आपकी नज़र में मेरे लिए वो सही है, या बस क्योंकि मेरे जीवन के अंदर मुझे बस एक साथी चाहिए जो मुझे रिस्पेक्ट दे, प्यार दे, अटेंशन दे, अफेक्शन दे, ठीक है, आपकी नज़र में जो मेरे लिए बेस्ट है प्लीज़ मेरे लिए हाजिर कर। यही कहना था, खुश रहिए, खुद को बहुत सारा प्यार दीजिए दोस्तों, प्लीज़ किसी और का वेट मत कीजिए ये सब करने के लिए। कोई हमें वो प्यार नहीं दे सकता जो हम खुद को कर सकते हैं और हमारे परमात्मा कर सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते भी टूट जाते हैं इसी वजह से कि इंसान दूसरों को देना चाहता है लेकिन खुद को नहीं देता।
अपनी बाउंड्रीज बनाइए, रिस्पेक्ट योर सेल्फ एंड लव योर सेल्फ एंड आई एम श्योर द वर्ल्ड इज एट योर फुट स्टेप। उसके बाद आपके लिए सब कुछ हाजिर होगा, एक्स वैक्स दोस्त कुछ भी, ठीक है। खुश रहिए, बहुत सारा प्यार। प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और हमें लाइक दे देना। थैंक यू।